Good morning. I am Ajay sir and you are watching my YouTube channel Aryans English Classes. आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 10 CBSE हिस्ट्री का लेसन 3 जिसका नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया. नेशनलिज्म इन इंडिया ये क्लास 10th का वैसा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिससे हर एक साल सवाल पूछे जाते हैं. इससे 8 से 10 नंबर का सवाल एनी हाउ हर एग्जाम में पूछा जाता है. इसलिए यह आपको मार्क्स दिलवा सकता है. यह क्लास 10th के हिस्ट्री का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. इसको हम एक वीडियो नहीं तीन वीडियो में देखेंगे क्योंकि यह बहुत लंबा टॉपिक है और इसको सही ढंग से समझने के लिए यह जरूरी है कि इसको फ्रेम वाइज स्टडी किया जाए. सबसे पहले हम बात करते हैं नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है. नेशनलिज्म वह फीलिंग है जो हमारे मन में होती है और यह हमारे अंदर राष्ट्रीयता की भावना को उत्पन्न करती है. यह अपने आप में एक नाउन है. वास्तव में देखें तो हम इंडियंस के बीच यह नेशनलिज्म की भावना एंटी कॉलोनियल मूवमेंट से स्टार्ट हुई. यानी जिस समय यह सिचुएशन क्रिएट हुआ पूरे इंडिया में अंग्रेज शासन करते थे और उस समय चाहे बिहार में रहने वाले बिहारी हों, पंजाब में रहने वाले पंजाबी हों, महाराष्ट्र में रहने वाले मराठी हों, सबका एक ही शत्रु था और वह थे कॉलोनियल रूलर यानी ब्रिटिशर्स, जिसके कारण जो है सारे एक साथ यूनाइट हो गए. इससे पहले का जो भी मूवमेंट था वह पार्टवाइज होता था, किसी क्षेत्र विशेष में होता था, जिसके कारण अंग्रेजों के लिए यह आसान होता था कि उसको दबा लिया जाए. लेकिन यहाँ से यह जो फेज आप देख रहे हैं ये गांधी के नेतृत्व में एक सिस्टमैटिक वे में मूवमेंट स्टार्ट हुआ जिसकी स्टडी हम कर रहे हैं नेशनलिज्म इन इंडिया. सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पूरे वर्ल्ड में 1914 में स्टार्ट हुआ. ये महीना अगस्त का था और जो भी यूरोपियन कंट्रीज इसमें लगे थे उन लोगों ने यह मन बनाया था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वह ज़्यादा से ज़्यादा दिसंबर 1914 तक चलेगा. ऐसा भयावह युद्ध हुआ जैसा दुनिया ने कभी नहीं देखा था. ब्रिटेन की जो अपनी कंपनी थी, ब्रिटेन में खुद जो है वह सिर्फ वॉर इक्विपमेंट्स का प्रोडक्शन होने लगा, जिसके कारण उस समय जो है हमारे इंडिया के बहुत सारे इंडस्ट्रीज फ्लोरिश हुए. उसी समय जमशेद जी टाटा के द्वारा स्टैबलिश टिस्को भी फ्लोरिश हुआ. यह 18 तक चला, पूरी दुनिया अस्त व्यस्त हो गई और इसी समय वह लीडर जिन्होंने इस मूवमेंट को चलाया जिनका नाम था गांधी, वह जनवरी 1915 में भारत लौट आए. इससे पहले जो है गांधी अफ्रीका में रहते थे. गांधी जी अफ्रीका 1892 में गए थे और वहाँ उन्होंने सबसे पहले सत्याग्रह चलाया था, जिस रूल को आप अपार्थेड के नाम से जानते हैं. यह रेशियल मूवमेंट था जो गोरे और काले के भेद को मिटाता था. इसके सबसे बड़े लीडर हुए नेल्सन मंडेला. यह भी गांधी के ही समर्थक थे और बाद में यह अफ्रीका के राष्ट्रपति बने. फिर हम बात करते हैं गांधी जी के अर्लियर मूवमेंट की. गांधी जी यहाँ आए, आते ही वह पूरे देश के नेता नहीं बने, इसके लिए उन्होंने कुछ प्रयास किया. पहले सिस्टम वाइज जो है एरिया वाइज उन्होंने अलग अलग मूवमेंट का नेतृत्व किया. जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार के चंपारण जिसको अभी मोतिहारी के नाम से जानते हैं, यहाँ इंडिगो की प्लांटेशन की जाती. अब इंडिगो की प्लांटेशन की जाती थी उस अवस्था में यहाँ के जो इंडिगो प्लांटर्स थे इनके द्वारा जो रूल बनाया गया था बहुत ज़्यादा ऑपरेसिव था, जो भारतीयों के लिए मुश्किल था, इनका रेंट देना मुश्किल था, जिसके कारण इन लोगों ने गांधी जी से मदद मांगा और गांधी जी जो है चंपारण पहुँचे क्योंकि वहाँ के कोई भी लोकल वकील अंग्रेजों के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत नहीं जुटा रहे थे. यहाँ से पहली बार गांधी जी ने इंडिया में मूवमेंट की शुरुआत की, जो उनका एक तरह से कहिए क्षेत्रीय मूवमेंट हो सकता है, लेकिन यह इनकी शुरुआत थी. सेकेंड मूवमेंट जो उन्होंने चलाया उसका नाम रहा खेरा मूवमेंट. खेरा गुजरात का एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है जो उन्होंने 1917 में चलाया और इस समय जो है वहाँ क्रॉप फेलियर हो गया, फसल अच्छी नहीं हुई और लोगों के बीच जो है एक संक्रामक बीमारी जिसको प्लेग या इन्फ्लुएंजा के नाम से जानते हैं, यह होने लगी, बहुत ज़्यादा लोग मरने लगे, जिसके
खिलाफ जो है इन लोगों ने गांधी जी से मदद मांगा कि वह आए और अंग्रेजों के द्वारा लिया जाने वाला टैक्स से उनको मुक्ति दिला। फिर हम तीसरे मूवमेंट की बात करते हैं, अहमदाबाद मूवमेंट 1918 में चलाया गया और यह कॉटन मिल वर्कर्स के द्वारा बुलाया गया था। इसमें जो भी कॉटन के वर्कर्स थे गुजरात के अहमदाबाद में काम करते थे, इनके द्वारा काम बहुत ज़्यादा लिया जाता था और इनके रहन सहन की जो कंडीशन थी, इनको जो वेजेस दी जाती थी बहुत कम दी जाती थी। इन लोगों ने जब देखा कि गांधी जी ने चंपारण के किसानों के लिए सही डिसीजन दिया, उनको न्याय दिलवाया, फिर खेरा जो गुजरात का ही एक छोटा डिस्ट्रिक्ट था वहाँ के किसानों को टैक्सेशन में छूट दिलवाई, तो उन लोगों ने भी मन बनाया कि वह गांधी को अपने मदद के लिए बुलाएंगे और अंततः जो है उनकी अपनी जो वर्किंग कंडीशन थी वह सुधर गई, उनके वर्किंग आवर्स में कमी आई, उनका वेजेस जो है पहले की अपेक्षा बढ़ गया। जिसमें फर्स्ट वर्ल्ड वार समाप्त हुई, पूरी दुनिया अस्त व्यस्त हो गई। उसका सबसे बड़ा रीजन था कि जितने भी यूरोपियन ओरिजिन से रिलेटेड इंडस्ट्रीज थे सारे ठप हो गए, लोगों के पास पैसा नहीं था। जो भी नए इंडस्ट्रीज स्टैब्लिश हो चुके थे जैसे इंडिया में, जापान में, चाइना में, इन लोगों ने फ्लोरिश करना स्टार्ट कर दिया। अंग्रेजों के लिए फिर से फर्स्ट वर्ल्ड वार के पहले वाली पोजीशन को हासिल करना मुश्किल हो गया, जिसके कारण जो है उन्होंने एक नया एक्ट बनाया जो पास किया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा, जिसका नामकरण किया गया रॉलेट एक्ट। यह अप्रैल 1919 में इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया। इससे पहले जिस समय फर्स्ट वर्ल्ड वार आरंभ हो रहा था उस समय ब्रिटिशों ने हम भारतीयों से यह प्रॉमिस किया था कि अगर फर्स्ट वर्ल्ड वार में हम उनकी साथ देंगे तो जिस समय फर्स्ट वर्ल्ड वार समाप्त होगा वो हमारे देश को पूर्णतः स्वतंत्र कर देंगे। लेकिन जिस समय फर्स्ट वर्ल्ड वार समाप्त हुआ ऐसी कोई इच्छा जो है वह ब्रिटिशों के ऊपर नहीं दिखी, उल्टे इस तरह का कोई सवाल जवाब उनसे क्रिएट न करे उन्होंने रॉलेट एक्ट लगा दिया। रॉलेट एक्ट का मतलब क्या था, तो इस एक्ट के अंतर्गत जैसा यहाँ देखते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट पॉलिटिकल प्रिजनर्स केप्ट इन प्रिजन फॉर 2 ईयर्स विदाउट ट्रायल, यानी कोई भी राजनीतिक कैदी जो है उसको कैद किया जा सकता था, किसी भी इंडियन को पकड़ा जा सकता था, उनको 2 साल के लिए जेल में डाला जा सकता था, इसके लिए किसी भी तरह के ट्रायल की जरूरत नहीं थी। अब इसके खिलाफ जो है सबसे पहले आपने देखा कि किस तरह से गांधी जी ने भारत में पॉपुलरिटी हासिल की, दुनिया में अफ्रीका में सत्याग्रह चलाकर की। अब यहाँ जो है गांधी जी ने यह मन बनाया कि एक बार जो है नेशन वाइड पूरे नेशन के मन को पढ़ा जाए और पहली बार जो है 6 अप्रैल 1919 को उन्होंने देशव्यापी हड़ताल बुलाया। इसका व्यापक असर हुआ, जगह जगह प्रदर्शन हुए, रैलियां निकाली गई। ये सारे अंग्रेजों के द्वारा जो ऑपरेशन रूल बनाया गया था जिसका नाम था रॉलेट एक्ट, उसके खिलाफ में बुलाया गया, लोग प्रदर्शन करने लगे। फिर इसका अगेंस्ट जो है ब्रिटिशों ने किया, एक तरह से इसका ब्लॉकेज किया। उन लोगों ने देखा कि गांधी जो है इनके प्रोमिनेंट लीडर हैं, प्रोमिनेंट मतलब महत्वपूर्ण लीडर है, जिसके कारण अगर वह दिल्ली पहुंच जाते हैं तो यह उनके लिए और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, लोग जो है उनकी बात सुनने लगेंगे, जिसके कारण अंग्रेजों ने गांधी के दिल्ली एंट्री पे रोक लगा दी और अमृतसर शहर में मार्शल लॉ लगा दिया। 10 अप्रैल 1919 को अमृतसर के 2 लोकल लीडर्स थे, एक का नाम था डॉक्टर सत्यपाल और दूसरे का नाम था सैफुद्दीन किचलू, इन दोनों को अरेस्ट कर लिया गया। ये लोग प्रदर्शन वगैरह कर रहे थे, ये प्रदर्शन का सीरीज, रैलियों का सीरीज, विरोध प्रदर्शन जो है यह 6 अप्रैल 1919 से ही आरंभ हो गया था। यह सारा रॉलेट एक्ट के विरोध में था। उसी समय जलियांवाला बाग मस्कियर हुआ, जस्ट 3 दिन बाद 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का त्यौहार था और अमृतसर में एक पार्क है जिसका नाम है जलियांवाला, चारों ओर से जालियों से घिरा है। यहाँ बहुत सारे लोग जो है इकट्ठा हुए थे, जो आसपास के क्षेत्रों से आए थे उनको यह नहीं मालूम था कि यहाँ जो है मार्शल लॉ लगा है। मार्शल लॉ आज का 144 धारा के बराबर हो सकता है, यानी एक जगह सारे आदमी इकट्ठा नहीं हो सकते, 4 आदमी से अधिक एक जगह एकत्र नहीं हो सकते। लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं थी। इसी समय जो है जनरल डायर, जो अंग्रेजों का
गवर्नर था, वह पूरे बटालियन के साथ जलियांवाला बाग पहुंचा और उसने लगभग 10 मिनट तक पूरे एंट्रेंस को ब्लॉक कर दिया। उसमें निकलने का एक ही रास्ता था और लगातार जो है अंधाधुंध फायरिंग कराता रहा, तब तक जब तक कि वहां मौजूद सारे लोग मर न गए और उनकी अपनी जो बुलेट्स थी वह समाप्त नहीं। तो इस फेज में मैंने आपको स्टार्टअप से लेके नेशनलिज्म से लेकर और जो लास्ट मोमेंट है यहां देखा कि जलियांवाला बाग, इसको दिखाया गया है। और इसके बाद वाला जो सेकंड वीडियो होगा उसमें इसके बाद से लेकर और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट यानी जिसकी शुरुआत हुई थी शार्ट मूवमेंट से, यहाँ तक स्टडी आप करेंगे। धन्यवाद।